दीदी सुनना, भूख लग रही है यार। भाई जो भी बनाई हो मेरे लिए बना लियो, मुझे ही बहुत तेज भूख लग रही है यार। हैं? मैं खाना बनाऊं? तुझसे कह रहा हूँ मैं, तू बना देना यार। हाथी जैसा हो गया पप्पे, तू कभी तो कुछ बनाना सीख ले यार। दीदी बना दो, मम्मी बना दो, हमेशा हम ही बना के खिलाए तुझे, खुद मत सीख लियो कुछ भी तू लायक कहीं का। देख तो वैसे भूख लग रही है, गुस्सा मत दिला, तुम्हें भर जाए खा लूंगा। ऐट मत ज्यादा, ठीक है ना? तेरे को खाना बनाने आता है तो ऐट मत, बाहर का ही खा। गुंगाने में तेरे को अच्छा लगता है ना, जा बाहर का ही खा ले तू। पहले के टाइम पे बाहर जाके खाना एक सुकून होता था, आज के टाइम पे बाहर जाके खाने में खून होता है। बोलेगा तो भाग नहीं ऐसे। पहले के टाइम पे बाहर खाने में एक स्वाद होता था, आज के टाइम पे बाहर खाने में दिमाग खराब होता है। अरे पनीर है लोग करते नहीं, मतलब अंकल जी बताना पड़ता है ना हम लोगों को। पहले खाने की दुकान या ठेले उसके स्वाद के लिए जाना जाता था, पर अब कॉन्ट्रोवर्सी के लिए जाना जाता है। अब यही देख लो ना यार, भाई दीदी वो माइक थोड़ा सा अंदर, ये फंस गया भाई। ऐसे मत करो, मैं ही सारे माइक निकाल दूंगी, प्लीज ऐसे मत करो। गुड दीदी। वैसे तो दीदी वड़ा पाव बेचती है दिल्ली में, पर इनकी वीडियो में वड़ा पाव के साथ मिलने वाली मिर्ची से भी तीखी इनकी जुबान है, बहुत चलती है भाई। और इनकी एक बैक स्टोरी है थोड़ी सैड सी। बेटा है मेरा भी घर पर है, उसे क्रच में छोड़ना पड़ा क्योंकि जॉब में प्राइवेट सेक्टर में ऑफ नहीं मिलता आपको ज्यादा। 12-12 घंटे की मैंने अपनी जॉब भी करी है, सारी चीजें भी करी है, पर बेटे की कंडीशन इतनी हो गई कि मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। हाँ यार मुश्किल तो होती होगी, बेटा बीमार है, 12-12 घंटे काम करना पड़ता है, टाइम तो नहीं दे पाती होंगी। पर ये क्या है दीदी, 6-6 रील बनाने का टाइम मिल रहा है आपको, वो भी रोज। नहीं लेकिन कोई बात नहीं यार, मैं समझ सकती हूँ दुख आपका, पर अपनी मनगढ़ंत कहानी बताने से पहले अपने पिछले चिट्टे मिटा देने होते हैं, सबूत रफा दफा करना होता। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अरे दीदी रोने क्यों लग गई, अभी तो वीडियो शुरू हुई है, अभी तो और रुलाना है। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। 1 घंटे वेट करेगी, तेरा बच्चा मर नहीं जाएगा, फाड़ दूंगी आदमी को, इतनी हल्की नहीं हूँ। दीदी ने कुल्लड़ पिज्जा वालों को देख करके सोचा कि मैं भी एक ठेला लगाऊंगी, उसमें मैं वड़ा पाव बेचूंगी, क्योंकि अब एक्टर कॉमेडियन वीडियो क्रिएटर तो दीदी ऑलरेडी है, तो सोशल मीडिया पर फेम कैसे पाना है वो तो इनको अच्छे से पता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दीदी पहले जॉब करती थी, पर वड़ा पाव का ठेला लगाती है, और मैं मान के चल रही हूँ कि इस ठेले से भी वो अच्छा खासा कमा लेती होंगी। फिर भी दीदी ने ठेला हटा करके शॉप नहीं बनाया, क्योंकि ठेला है तो गरीबी वाला एंगल से सेंटीमेंट बना रहता है ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा दिल्ली वाले वड़ा पाव खा कैसे रहे हैं, तुम तो मुंबई वालों को टीज करते थे कि तुम सूखा पाव खाते हो, सूखा पाव खाते हो, तुम कैसे खा रहे हो। दीदी ने ट्रैफिक भी लगवाना है, दीदी ने रोना भी है, दीदी ने लड़ाई भी करनी है, और दीदी को चटनी भी नहीं देनी। चटनी डाल के नहीं देती मैं, क्योंकि चटनी से पूरा आपका बड़ा पाव खराब हो जाएगा अगर आप पैक करके ले जाएंगे। आप डालो, मैं तो गाड़ी में देना ना, प्लीज सबको दे दूंगी, आप दे दो मुझे, मैं तुमने। अरे दे दो ना भाई, चटनी ही तो मांग रही है वो, उसके पैसे दिए हैं उसने, ऐठ क्या रही हो फालतू का। एक तो वैसे ही 20 का वड़ा पाव 50 में खिला रही हो, ऊपर से चटनी भी नहीं देनी, ये क्या बात हुई। कंजूस भाई, मैं दोबारा नहीं खाती इसके ठेले पे से, मेरे को चटनी नहीं मिलती तो। वो याद है वो वाली मूवी, इतनी सी चटनी में 2 समोसे खाऊं मैं वही हूँ भाई, इतनी सी चटनी में वड़ा पाव खाऊंगी मैं। फालतू का ऑर्डर थी, उसको क्या लगता है बाहर मेरे को खाना नहीं मिलेगा क्या। बुलाना भी बुला लो, जिसको बुलाना बुला लो, जिसको बुलाना बुला लो। यार तुम लोग माइक पहन के ही क्यों लड़ते हो भाई, पुलिस को डेमोनाइज करके उनको गाली दे करके सिंपति गेन करने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है। जस्ट पुलिस अपना काम कर रही है फिर भी गाली सुन रही है, पहले पुलिस को उनका काम ना करने दो, फिर बाद में अपनी प्रॉब्लम आने में पुलिस को ही गाली दो, ऐसा कैसे चलेगा दीदी। यार एक तो बात बात पे रोने लगती है, किसका परमिशन लेटर है यहाँ पे रेडी लगाने का मुझे बताओ। हाँ वेरी गुड, पहले माइक लगा लो, लो मेरा भी एक लगा लो, माइक में सब कुछ रिकॉर्ड करके बाद में सिंपति भी तो लेनी है। नहीं रही गुस्सा गुस्सा, विनाश का सबसे पहला बोला। वाह भाई, इतना तो बिन पेन देगा लोटा नहीं लुढ़कता जितना ये लुढ़क रही है इधर से उधर, टॉस के टाइम पे सिक्का इधर उधर नहीं घूमता जितना ये अपने बातों में ही घूम रही है। अगर आपकी वजह से रोड ब्लॉक हो रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, कार बाइक स्कूटी वालों को दिक्कत हो रही है, फिर इमोशनल हो गया। दीदी चुप हो जाओ, नहीं बोल रही आपको, आपको कुछ बोल ही नहीं रही मैं चुप, मैं फेविक्विक खा ले रही हूँ, कुछ मत बोलना। दिल्ली के दूसरे वड़ा पाव वाले पे चले जा रही हूँ मैं, आप चुप रहो, आराम से रो, रुको टिश्यू दे देती हूँ मैं, खत्म हो गई। आप तो वड़ा पाव बेचते आपके पास होगा, उससे पहुँच लो। अच्छा बात नहीं।
50 रुपए का वड़ा पाव भीड़ देख के सब खाने के लिए आ जाते हैं, मेरा 20 रुपए का है, मैं अच्छा टेस्ट दे रहा हूँ, मेरा खाने आओ एक बार। वहाँ पे ना भीड़ देख के आते हैं, मेरे पास भीड़ नहीं लग रही है, इस वजह से मेरे पास कोई नहीं आ रहा। ये हुई ना बात, कोई तो सही रेट में वड़ा पाव दे रहा है, 20 रुपए से ज्यादा का तो वड़ा पाव होता ही नहीं है, वो बात अलग है। ऑनलाइन हम 80 रुपए का ही मंगा लेते हैं। मैं कब हो गया ये? दिया वड़ा डाल दिया, उसके बाद हम पैक कर रहे हैं, हम पार्सल में भी चटनी देते हैं। छोटे दिखता छोटा है पर रोस्टर बनने के सारे गुण तेरे अंदर, पार्सल में भी चटनी देते हैं, यही तो मैं कह रही थी यार। I'm not interested यार। 50 रुपए का वड़ा पाव दे रही है, उसमें भी चटनी में कंजूसी, चटनी दे रही, यहाँ 20 रुपए का वड़ा पाव, पार्सल लोगे तब भी चटनी फ्री, कौन सा खाओगे बताओ? क्या कह रहे हो, मोमोज खाओगे? अरे दिल्ली वाले हो क्या? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। पनीर मोमो में पनीर से ज्यादा पत्तों को भी डला हुआ है। पर मैं तो यार 50 वाला खाऊंगी, वहाँ पे एंटरटेनमेंट भी तो मिल रहा है, मतलब कुछ देर में बस थप्पड़ उप्पड़ लग जाए, बाल बाल खींचने लग जाए, दूसरे की कोई तो फिर तो मजा ही आ जाए, स्वाद आ जाए, मतलब वड़ा पाव के अंदर। जब एक लड़की वड़ा पाव बेचती है तो दुनिया भीड़ लगा के खाने के लिए आ जाती है, मैं एक बच्चे होकर वड़ा पाव बेच रहा हूँ तो मैं सिर्फ 20 रुपए में मेरा खाने नहीं आओगे क्या? अबे पूरा पूरा बोल ले छोटू, व्हाट डू यू मीन कि मेरा खाने नहीं आओगे? पूरा बोलो भाई, पूरा बोलो, ऐसे गलत फहमी होती लोगों को। 20 रुपए में मेरा खाने नहीं आओगे क्या? ये छोटे छोटे बच्चे ना, मिनी छोटे चेतन, ये बड़े हरामी होते हैं भाई, अपनी बातों में ऐसे फंसा लेते हैं, हमें लगता है कि अरे बच्चा इसने ऐसी बोल दिया होगा, हम हाँ कर देंगे, फिर बाद में यही पीठ पीछे मजाक उड़ा रहे होते हैं कि उसने ऐसा बोल दिया, बड़े हरामी हो बेटा। वेल जो भी, ये बंदा मेहनत तो कर रहा है यार, निब्बा निब्बी से तो अच्छा ही है ये। मम्मी पापा का सपना है IAS बनाने का मेरे को। अच्छा IAS बनाने का, तो स्कूल भी जाते हो फिर तो? हाँ स्कूल जाता हूँ। अच्छा स्कूल कितने बजे स्कूल जाते हो? 12:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। अच्छा 12:30 से 6:30 बजे तक स्कूल जाते हो और उसके बाद फिर ये अपना काम करते हो? हाँ। पहली बात तो ये 12:30 से 6:30 ये कौन सा स्कूल होता है बे? चल ये तेरी बात मान लेते हैं, क्योंकि कुछ स्कूल होते हैं गवर्नमेंट स्कूल जिनकी टाइमिंग ऐसी होती है, पर 6:30 बजे तेरी छुट्टी होती है और 5 बजे तू वड़ा पाव बेचने आ जाता है। कुछ समझ नहीं आया, बहुत गलत स्कूल में नहीं पढ़ रहा तू? तुझे नहीं लगता तुझे अपना नाम कटवा लेना चाहिए वहाँ से? मैंने अभी अभी एक नई चप्पल खरीदी है, निशान अच्छे पढ़ेंगे, छुट बोलने वाले बच्चों को हम बहुत मारते हैं। जो काम कर रहे हैं ये अपने पापा की सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, और ये हेल्प इस तरीके से कर रहे हैं कि भाई पापा पापा की आप हेल्प कर रहे हो, कोई दिक्कत है पापा को? हाँ, क्या पापा के पैर में चोट है, पापा को वो भी है स्लिप डिस्क। ये हे स्क्रिप्ट भूल गया, फिर स्क्रिप्ट भूल गया, मेरे नादान परिंदे, छोटे समोसे के मटर के दाने, कुची पुची पू। यार ये झूठ भी बोल रहा है ना, तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि वाह कितने क्यूटली झूठ बोल रहा है। अरे मैंने खट्टी टॉफी खाई है। तो कितने बजे जाते हैं स्कूल? मैं 12:30 बजे से लेके 7 बजे तक। भेज गया कि सोशल मीडिया ठेले वाले अपनी स्टोरी याद क्यों नहीं कर लेते हैं ठीक से कि क्या बताना है, बोलना क्या, एक बार रट लो ना भाई लिख करके, याद कर लो ना। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? मेरा ना भरोसा ही उठ गया है इस दुनिया पे से, अभी तक इसका 6:30 बजे तक स्कूल होता था, अब 7 बजे तक हो गया। छोटू, ओ छोटू बेटा, तेरे को स्क्रिप्ट याद नहीं हो रही ठीक से, IAS कैसे बनेगा? एटलीस्ट मेहनत कर रहा है, पड़ोस की पिंकी को लाल रंग का गुलाल लगा करके रील तो नहीं बना रहा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। वालों की जिम्मेदारी अपना टैलेंट बेचने का शौक है, घर वालों की जिम्मेदारी अपना टैलेंट बेचने का शौक है। ये हुई ना बात, ये हुई बात, ऐसे याद करते हैं स्क्रिप्ट, बहुत बड़े। मुझे उम्मीद है छोटू तेरे से, तू बनेगा IAS, IAS ना भी बनाना तो पॉलिटिशियन जरूर बन जाएगा तू, झूठ बोलना और फुल रट्टा मार के बोलना, पूरी क्वालिटी है तेरे अंदर। तेरे भाई ने कभी जिंदगी में घमंड नहीं किया, कभी दिखावा नहीं किया। मम्मी पापा का सपना है मुझे IAS बनाने का। अरे वाह क्या बात, बड़ा सपना है यार। IAS क्या करता है जी? IAS क्या करता है? देश की रक्षा। देश की रक्षा IAS करता है, तो सिपाही क्या करते हैं भाई, चने खा रहे हैं बॉर्डर पे बैठ के है? बस तू छोटा और क्यूट है ना, इधर तो ज्यादा नहीं बोल सकती मैं, ऊपर से तू मेहनत भी कर रहा है और मार खाने की हरकत तो तेरी भी। इतनी लंबी लाइन खाने के लिए, अबे इतने देर में तो मेरी भूख ही मर जाएगी यार। एक काम करता हूँ, घर जाकर के दीदी के आगे हाथ पैर जोड़ लेता हूँ, वही कुछ बना के खिला देगी, यहाँ तो नहीं हो पाएगा मेरा काम। अरे धक्का क्यों मार रहे हो यार, जा रहा हूँ मैं। भाई यार देखो, हो कुछ नहीं रहा, इनके फेम के चक्कर में वड़ा पाव बदनाम हो रहा है, ठीक है, अच्छा खासा था मुंबई में, इज्जत मिल रही थी, सौरा था मुंबई के अंदर, अब दिल्ली आ गया है, कोई इज्जत ही नहीं है, नाम खराब होता जा रहा है इस बेचारे का, अलग बेचारे की पैंट उतार दी जा रही है, इसीलिए आप सब मेरे समर्थन में आए और मोमो खाना स्टार्ट कर दें। Can I have a plate of dim sums? Okay, so daddy's ready guys. रुको, आगे बोलते हैं। So daddy's ready guys. Hope आप लोग वीडियो पसंद आए। Thank you so much for watching. And yes, don't forget to do like, share, subscribe. राधे राधे. And किसी के प्रोफाइल पे जाकर के हेट मत फैलाना. Thank you.